हरियाणा के पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आखिरकार बीते दिन 10वीं और 12वीं पास हो ही गए। बीते दिन हरियाणा बोर्ड के अधिकारियों ने ओम प्रकाश चौटाला को उनकी 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट आधिकारिक तौर पर सौंपे तो इनेलो सुप्रीमो के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। खास बात यह रही कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 87 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं पास की है। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट करते हुए ओम प्रकाश चौटाला को 10वीं पास करने की बधाई दी। आपको बता दें कि अप्रैल महीने में अभिषेक बच्चन की 10वीं नाम से एक फिल्म भी आई थी जिसकी कहानी इनेलो सुप्रीमो की कहानी से मेल खाती है। साल 2021 में ओम प्रकाश चौटाला ने 12वीं की परीक्षा दी थी मगर उनका 10वीं का इंग्लिश का पेपर क्लियर नहीं था और इसीलिए उनकी 12वीं की मार्कशीट भी रुकी हुई थी। इनेलो सुप्रीमो ने बीते साल 100 में से 88 अंक लाते हुए अपना 10वीं का इंग्लिश का पेपर क्लियर किया और इसी के साथ चौटाला 87 साल की उम्र में 12th पास करने वाले पहले नेता बन गए। ओम प्रकाश चौटाला को सीबीआई कोर्ट ने जेबीटी भर्ती घोटाले में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। जेल में रहते हुए चौटाला ने पढ़ाई की और 10वीं की परीक्षा भी दी। फिलहाल वो अपनी सजा पूरी करके बाहर आ चुके हैं और एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। 10वीं और 12वीं पास करने के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश के आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला किस भूमिका में रहेंगे। क्या वो खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर सिर्फ अपनी पार्टी इनेलो का प्रचार ही करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।